कॉमिक्स में एक बार अपना प्यारा गॉड ऑफ थंडर थॉर हल्क बन गया था। दरअसल ये स्टोरी है हल्क कॉमिक सीरीज के इशू नंबर 7 की, जहां पर हमें हल्क की एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म स्टारशिप हल्क देखने को मिलती है। दरअसल इस हल्क को हल्क नहीं बल्कि ब्रूस बैनर कंट्रोल कर रहा होता है, और इसी वजह से इस हल्क को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल था। सब लोग हल्क को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो लोग कामयाब नहीं होते हैं, और तब एंट्री होती है गॉड ऑफ थंडर थॉर की। इसके बाद हल्क और थॉर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में हल्क कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो अपने अंदर से भारी मात्रा में गामा रेडिएशन को छोड़ देता है। इस गामा रेडिएशन के संपर्क में आकर थॉर भी हल्क में बदल जाता है, मगर इतना कांड होने के बाद भी ये दोनों रुकते नहीं है और इनके बीच पटका चालू रहता है। और तब ये दोनों ही सुपर हीरोज अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार करते हैं, जिससे दोनों सुपर हीरोज जिस प्लांट पर लड़ रहे थे वो पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। हालांकि तब यहाँ पर ओडिन चचा की आत्मा आती है और वो अपना कुछ जादू टोना करके थॉर को वापस से ठीक कर देते हैं, और उधर हल्क भी बैनर के कंट्रोल से बाहर आ जाता है, और इस तरह हो जाती है हैप्पी एंडिंग।